आई होप यू आर फाइन जनाब जी। तो ये है मेरा दूसरा पार्सल, ये मैंने मंगवाया था बटन कॉर्नर से। काफी मुझसे पूछता आपने ये कहाँ से लिया है, तो ये बटन कॉर्नर से लिया है। ये आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, और आप इनका लिंक देख लें, ठीक है। इनसे मैं ये अपना सेकंड टाइम पार्सल मंगवा रही हूँ। फर्स्ट मेरा बहुत अच्छा रहा था, मैंने स्टीम आयरन और कुछ चीजें मंगवाई थी, और इसको मैं करती हूँ कट और फिर मैं आपसे करती हूँ शेयर मैंने क्या मंगवाया था। जिन्हें लेना हो तो आपको मैं इसका ये मैं स्क्रीनशॉट ले लें, इनका नंबर भी मेंशन है और इनकी वेबसाइट भी, ये देखें, ठीक है जी। बार बार आप ये होते हैं लाहौर में, और जो लाहौर में रहने वाले हैं तो वो तो खुद ही जाके भी ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे चाहिए थी जीरो की चेपी चाहिए थी विक्रम, जो कि दानेदार होती है। ये इतनी बेस्ट होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये है हमारी प्राइसेस डिफरेंट, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ ये मैंने क्या कुछ मंगवाया है, ठीक है जी। ये मैंने प्लास्टिक निडल थ्रेडर मंगवाया था, मैंने कुछ काफ़ी कुछ अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी तकरीबन 5 वर्ल्ड सीरो की बुकरम। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा ट्रोजर्स की, मैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज करती हूँ, और ये होती है कुछ इस तरह से। अगर जिन्होंने शॉपकीपर से लेनी हो वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से। ये इतनी सॉफ्ट होती है लाइक अ फैब्रिक, अगर आप ये फैब्रिक पे लगा भी देना तो फील ही नहीं होता। इससे क्या होता है, आप ट्राउजर की करें या कुछ या डिजाइनिंग करें या एंकर थ्रेड से लाइनें लगा रही होती हैं, चुनट्स आने का खतरा होता है ना, तो ये इतनी बेस्ट रहती है, अकराहट भी नहीं आती और फिनिशिंग बहुत जबरदस्त आती है कि कपड़ों पे। अगर नहीं इनको पता तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज हैं अपनी ट्राउजर्स में, तो आपको पता चल जाएगा। ये दानेदार से होते बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने ली थी तब ये थी आई थिंक 70-75 रुपए का थी, अब जो मैंने मंगवाई है ये 100 रुपीज पर यार्ड पड़ी है मुझे, ठीक है जी। ये मैंने मंगवाए थे अपनी बुकरम, और ये मैंने मंगवाई है फ्यूजिंग पेपर। ये है फ्यूजिंग पेपर है, एक तो होता है डबल साइडेड टेप हम मंगवाते हैं ना ये वाली, ये आपको मैं भी खोल के दिखा दूँ। मैंने दो रोल मंगवाए थे, मेरे खत्म हो चुके थे, मैंने अगेन दोबारा ऑर्डर दिया था कि मुझे मजीद चाहिए। इतनी काम की चीज़ है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें टूल्स इसलिए होते हैं ना कि हमारी जिंदगी में आसानियाँ आए, तो इनको ज़रूर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि वाकई में से बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। ये देखें दराज से जो मिलती है वो 1 इंच की है, और ये जो है 1/2 इंच की है, और यही सेम चीज़ मैंने मंगवाई है इसमें, और ये है तकरीबन 1 गज ही मैंने ली थी इसकी। अब मुझे प्राइस इसकी कुछ याद नहीं है, मैं आपको देख के बताती हूँ, 150 का आई थिंक, अब इट्स नॉट कन्फर्म ये कौन सी है, आप जाएंगे ना वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। ये देखें ये सेम यही चीज इसमें आ रही है। आप कोई भी आप मैक्सी स्टिच करें कुछ भी करें, आपको चौड़ा चाहिए होता है ये उसके लिए है। ये बहुत जबरदस्त है, काटे जिस तरह के एंगल में जिगजैगिंग है और इसको चिपका दें बेस्ट है, बहुत काम, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है। तो मैंने कहा ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए, अर्जेंट कभी भी किसी वक्त भी काम आ सकती है चौड़ी लगाने के लिए। और ये मैंने मंगवाई थी लेस, और ये मिल्की में थी आई थिंक, लेकिन अब मुझे ये इतनी मिल्की शटल मिक्स लग रहा है, और ये है मुझे 30 रुपये पर यार्ड मिली है, यस 30 रुपये गज के हिसाब से मिली है, क्योंकि ये मुझे शॉप्स पे अवेलेबल नहीं थी, मैंने अपने दुपट्टे पे लगानी थी तो ये मैंने वहाँ से मंगवाई है। थोड़ी मैली भी पड़ी है, थोड़ी क्लीन नहीं है, वॉश करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें मंगवाई थी, मैंने मंगवाए थे मार्कर्स वगैरह मंगवाए थे कपड़ों के लिए, पेंसिल्स वगैरह, तो आप देखते हैं कि हमें कैसी हुई है रिसीव। यस जी, चॉक्स वगैरह समटाइम क्या होता है वो यूज नहीं होते, हमें ढूंढने पड़ते हैं, हमें मसला होता है। तो ये मैंने मंगवाई थी जनाब पेंसिल्स 4, द कलर इज रेड। मुझे लगा था शायद कुछ डिफरेंट मुझे मिल जाए, और इसमें एक थ्रेड है आई डोंट नो, अच्छा ये थ्रेड उससे ये होगा तो आपका बाहर आएगा। ये देखें जबरदस्त है, ये आपके हाथ पे नहीं आएगा, कपड़े पे इसके निशान बहुत अच्छे हैं, यू कैन सी दिस। 4 मैंने मंगवाई हैं ये, और इनकी प्राइस जो है इसमें से जो एक है वो है 25 रुपीज़ की, ठीक है जी। ये मैंने मंगवाई थी 4। इसके बाद ये बहुत 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 काम की चीज़ है, इसका जो नेम है इसका नेम इधर मेंशन नहीं है, ये देखें जी, ये मैंने मंगवाया था एंड इसका प्राइस इज 35 रुपीज़, ठीक है जी। ये कोई भी आप लैस लगा रही हैं, कोई भी इस तरह का काम कर रही हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अक्सर हमने नीडल्स पिंस ढूंढती रहती हैं, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये मैं कहती हूँ जो भी स्टिचिंग करती है उनके पास होना चाहिए, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है,
ये बहुत काम किया। आपके हाथ बार दफा नीडल्स में फिंगर्स आ जाते हैं तो आपकी इससे सिक्योर रहेंगी काफी ज्यादा। और ये मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी थी क्लिपर की, मैंने क्लिपर मंगवाया है। अगेन क्लिपर की भी प्राइस जो है वो है 90 रुपीज। और इसको भी मैं भी कट करती हूँ यहाँ से, ओपन का है पड़ा लेकिन फिर भी मैं यहाँ से करके सब कुछ आपके सामने। ये जो मैंने दराज से मंगवाया था ये उससे काफी बेहतर है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, क्वालिटी इज सो गुड। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। आई थिंक ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिल रही थी, 150-200 ज्यादा होती है, डिफरेंट लेंगे, मुझे रिजनेबल प्राइस पे मिल रही थी तो ये मैंने फौरन से बाय किया। दूसरा मैंने यहाँ पे ये लिया है, ये कितनी मजे की चीज़ है। अब ये देखिए ये टूटा हुआ है, हाँ पता नहीं, देखते हैं जनाब। ये है हमारा जनाब नीडल है, प्लास्टिक नीडल थ्रेडर है, उसकी एक की प्राइस है 20 रुपीज और मैंने मंगवाए हैं दो। मैं कब प्राइस भी सारा कुछ आपके सामने शेयर कर देती हूँ ताकि आपको डाउट रहे ही ना। ये किस काम आता है, जिनके आई शेड वीक होती है, सम टाइम थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, हमने नीडल में से गुजारने में मसला होता है। बहुत सारे मार्केट में है, वो क्या होते हैं कि थीन से पतले से होते हैं, फिर वो ये होकर इधर उधर हो जाता है, हमें ढूंढना पड़ता है या थोड़ा सा डैमेज होते हैं। ये मुझे इसकी शेप बहुत ज़बरदस्त लगी थी, फ्लावर में हैंडी है और दैट इज़ वेरी गुड। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, यू कैन सी दिस, ये इसका, ये मैंने मंगवाई थी दो और इसका यहाँ से एक फ्लावर जो है ना वो टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, हाफ है, बट इज़ गुड, क्वालिटी इज़ गुड। और मेरा नहीं ख्याल कि ये 25 में था, महंगा है, मिल नहीं रहा होता तो मिल जाता तो और क्या चाहिए होता है। और दूसरा मैंने ये मंगवाया था, अक्सर हम बोबन्स में थ्रेड फिल करके रखते हैं या अपनी नलकियों में, तो वो क्या होता है कि वो निकलते रहते हैं, उलझते रहते हैं, जो हमने अक्सर अपनी मशीन में रखे होते हैं, तो ये मैंने इसके लिए मंगवाया था। ये है हमारा स्टिच होल्डर है, ठीक है जी। और इसकी एक की प्राइस थी 15 रुपीज़, 15 रुपये का एक था और मैंने ये मंगवाए हैं तकरीबन 5। ये देखें जनाब ये आ गया, ये मंगवाया था, मुझे लगा था सिलिकॉन के थे लेकिन ये सिलिकॉन के नहीं है, ये प्लास्टिक के हैं, इट्स नॉट सिलिकॉन। इसको कैसे यूज़ करते हैं इसकी मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगी। और दूसरी मैंने एक नई चीज़ मुझे मिली थी, मैंने वो ले ली है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये एक है प्लास्टिक की, एक है मेरे का एक नई चीज़ है तो इसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये है हमारा जनाब स्ट्रैप इलास्टिक लेयर है। ये बाज़ दफ़ा हमने कोई स्लीव लेस ड्रेस बना रहे होते हैं या कोई हैवी वर्क होता है, उससे क्या होता है कि हमारी शोल्डर से बार बार शर्ट जो होती है वो साइड से हो जाती है, तो ये स्लीव लेस इस वजह से होती है कि ये नज़र भी नहीं आता और इससे क्या होता है कि हमारा ड्रेस एक जगह पे फिक्स रहता है। अगेन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, ठीक है जी। बच्चों को हम फ्रॉक्स पहनाते हैं, स्लीव लेस होते हैं तो वो बाद दफ़ा या नेक जिनके ज़्यादा बड़े होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, तो ये जैसे स्पेशल ब्राइडल या पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। और इसकी जो कि प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूँ, इसकी प्राइस जस्ट 15 रुपये एक गज था और आई थिंक मैंने 3-5 गज मैंने ये मंगवाई है। तो ये मेरी छोटी सी थी शॉपिंग जो कि मैंने मंगवाई थी बटन कॉर्नर से, लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं और जिनको डाउट है हम लें या ना लें यू कैन डेफिनेटली। ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अब आप बताएं कि किस इनमें से टूल के बारे में आप जानना चाहेंगे मैं वीडियोस बनाऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।